नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओपी एजी पॉइंट पर। तो आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की प्रश्नमाला 5.2 वर्ग और वर्गमूल। तो शुरू कर रहे हैं। देखो, हम पहला प्रश्न दिया गया है 32 का वर्ग है, कैसे करेंगे? 32 को 32 से गुणा कर लो, यानी 32 इंटू 32 गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा 1024। 32 को 32 से ही गुणा करना है। 35 को वर्ग करना है तो 35 को 35 से गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा 1275। ये क्या होगा, देखो इसका आंसर आ जाएगा। और 86 का वर्ग आएगा 7396, यानी 86 को 86 से गुणा कर लेना है 7396। 93 का वर्ग आएगा 8650, यानी 93 को 93 से गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा 8650। रफ कार्य में कर सकते हैं, देखो 86 को 86 से गुणा कर लो, देखो इस प्रकार 86 इंटू 86, रफ कार्य में करेंगे आंसर आ जाएगा इसका 7396, और 93 का वर्ग आ जाएगा 8650। इसके बाद में 71 है, 71 का वर्ग आएगा 5041, यानी 71 इंटू 71 5041। उसके बाद में आगे आ जाएगा 21 का, आ जाएगा 2116, यानी 46 इंटू 46 बराबर में 2116। ये क्या, देखो इसका आंसर है। यानी क्या करना है, वर्ग कैसे याद करते हैं बता दिया है, संख्या को एक बार उसी से गुणा कर लो, आंसर आएगा वो क्या, वो संख्या का वर्ग होगा। इतनी बातें देखो इस प्रश्नमाला में दी गई है। और अब आगे शुरू कर रहे हैं हम प्रश्न नंबर 2। पाइथागोरस त्रिक याद कीजिए जिसका एक सदिश दिया गया है। इसमें आपको तीन सूत्र याद रखने हैं, पाइथागोरस त्रिक याद करने के लिए तीन सूत्र याद रखने हैं। वो सूत्र होता है, एक तो होता है m² - 1, m² - 1, m² + 1 और उसके बाद में 2m। ये तीन सूत्र आपको याद रखने हैं। पहले आपको जो दिया गया ना, जो संख्या दी गई है, उन संख्याओं को पहले इसके बराबर रखोगे, बाद में जांच करना इसके बराबर m का मान आ जाए तो ठीक है, नहीं आ जाए तो इसके बराबर रखना है, और बाद में नहीं आए तो 2m के बराबर रखना है। देखो तो पहला सबसे पहले कर रहे हैं, देखो पहला क्या दिया गया है, 6 दिया गया है, दूसरे का पहला, ठीक है, m² - 6 दिया गया है, यानी पहले रखोगे m² - 1 बराबर में 6, m² - -1 होगा पक्षांतरण, 6 + 1 m² = 7 होगा। अब आपको ध्यान होना चाहिए, 7 किसी संख्या का वर्ग नहीं है, 7 किसी का वर्ग नहीं है, क्योंकि 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16। ये ध्यान है, देखो 7 किसी में नहीं आ रहा बीच में, इसलिए 7 किसी का वर्ग नहीं है, यानी 7 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है ना, तो ये किसी का वर्गमूल भी नहीं होगा, वर्गमूल नहीं है, 7 का कोई वर्गमूल नहीं होगा। तो ये नीचे लिख देना है, आप नीचे आपको यहाँ लिखना है m का मान पूर्णांक में नहीं होगा, m का मान पूर्णांक, यानी ये पॉइंटों के रूप में आएगा, दशमलव संख्या में आएगा, पूर्णांक यानी पूरी संख्या फिक्स संख्या होनी चाहिए, इस प्रकार ये सारे पूर्णांक लिखे गए, देखो ये इस पर इस संख्या में नहीं आएगा, यानी 7 का वर्गमूल क्या आएगा, एक दशमलव संख्या के रूप में आएगा, लेकिन m का मान होना क्या चाहिए, एक पूर्ण संख्या में होना चाहिए, तो ये तो मान होगा नहीं। अब आगे ले लो m² - 1 बराबर में m² + 1 बराबर में ले लो 6, m² बराबर में आ जाएगा 6 a का पक्षांतर -1, ये भी 5 भी दो किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए यहां नीचे लिख दो m का मान पूर्णांक में नहीं होगा, यानी m का मान भी क्या होगा, यहां पूर्णांक में नहीं होगा, दोनों में नहीं आंसर आया है। अब अंत में क्या बचा है, 2m बचा है, तो आप यहां रखोगे 2m के बराबर में रख दोगे 6, 2m बराबर में 6, m बराबर ये दो भाग में आ जाएगा, m बराबर में 3, ये देखो एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो गया m का मान। अब m का मान हमें 2m से आया ना, आपको जाने तीन सूत्र बताए थे m² - 1, m² + 1 और 2m, m का मान हमें इसके द्वारा प्राप्त हुआ है। अब इसके द्वारा दो संख्या निकालो,
यानी एम स्क्वायर माइनस वन है, एम का मान 3 रख दो, 3 स्क्वायर माइनस 1, यह आ जाएगा 9 माइनस 1 8। एम स्क्वायर प्लस 1 यानी 9 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी ये 9 प्लस 1 क्या आ जाएगा देखो 10 आ गया। तो त्रिक क्या आ गया देखो, पाइथागोरस त्रिक क्या प्राप्त होंगे, त्रिक प्राप्त हुआ है 6, 6 तो दिया गया था, 8 और 10। अतः पाइथागोरस त्रिक बराबर में पाइथागोरस 6, 8 और 10 दे रखा है 14। तो पहले क्या करेंगे देखो, एम स्क्वायर माइनस वन बराबर में 14, एम स्क्वायर बराबर में 14 प्लस 1, एम स्क्वायर बराबर में 15। और 15 किसी का एक वर्ग नहीं होता है, इसलिए देखो एम का मान 15 पूर्णांक संख्या में नहीं होगा, नहीं होगा तो ये मान नहीं देंगे। अब इसके बाद मैंने बताया था एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर में 14, एम स्क्वायर बराबर में 14 माइनस 1, एम स्क्वायर बराबर 13 आ जाएगा। अब 13 भी किसी का वर्ग नहीं होता है, इसलिए यहाँ लिख दो एम का मान पूर्णांक संख्या में नहीं होगा। अब इसके बाद में अंत में 2m दे रखा है, यानी 2m बराबर में 14, m बराबर 14/2, m का मान 7। तो मैंने बताया था 3 सूत्र है, ठीक है, 2m के द्वारा m का मान प्राप्त हो गया है, बाकी 2 सूत्र हो रहे हैं उसमें m का मान रख दो और पाइथागोरस त्रिक याद कर लो, यानी इसमें रख दो m का मान। तो यहाँ आ जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 1, 49 माइनस 1 क्या आ जाएगा 48। एम स्क्वायर प्लस 1 देखो ये, इसमें एम का मान रख दो 7 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 49 प्लस 1 क्या आ जाएगा 50। अतः पाइथागोरस त्रिक बराबर क्या क्या प्राप्त होगा देखो, 48 है, 50 है और क्या दिया गया है, 1 दिया गया है 4, 1 14 और दिया गया, ये देखो 3 क्या है पाइथागोरस त्रिक आ गए, 48, 50 और 14, 1 दिया गया था और 2 हमने आगे ज्ञात कर लिए। इसके बाद में आगे है इसका तीसरा पॉइंट है, वो दे रखा है दूसरे का, तीसरा दे रखा 16 दे रखा है, 16 दे रखा है। तो यहां रख देंगे पहले एम स्क्वायर माइनस वन बराबर 16, एम स्क्वायर बराबर 16 प्लस 1, एम स्क्वायर का मान 17, 17 किसी का नहीं होता वर्ग, इसलिए यहाँ एम का मान पूर्ण संख्या में नहीं आएगा, एम का मान पूर्णांक संख्या में नहीं होगा। अब एम स्क्वायर प्लस 1 के बराबर रख दो 16, यानी एम स्क्वायर बराबर 16 माइनस 1, अब ये भी 15 आ रहा है, ये भी किसी का वर्ग नहीं है, तो यहां पर भी लिख दो एम का मान 15 पूर्णांक संख्या में नहीं होगा। अब 2m बराबर लिख दो 16, 2m बराबर 16, m बराबर में 16/2 यानी मान आ गया 8। अब 2 मान और याद करने हैं, एक m का मान 8 आया है, तो अब m स्क्वायर माइनस 1 बराबर रख दो 16, m स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर माइनस 1 ये आ गया 64 माइनस 1 63। अब m स्क्वायर प्लस 1 में m का मान रख दो, m स्क्वायर प्लस 1 यानी 8 का स्क्वायर प्लस 1 ये 64 और 1 इतना हो गया देखो 65 है। अतः पाइथागोरस त्रिक बराबर एक तो 63 है, 1 65 है और 1 सबसे पहले 16 दिया गया था, ये 3 क्या आएंगे पाइथागोरस त्रिक आ जाएंगे। इस प्रकार आपको करना है देखो, यानी लगभग सवाल करने के तरीके एक ही है देखो। इसके बाद में आगे चौथा पॉइंट दे रखा है वो कर लेते हैं देखो, एक और
चौथे में क्या दे रखा है, लगभग देखो सेम आंसर ही ऐसा ही होगा, क्या दे रखा है, 18 दे रखा है, दे रखा है 18। तो पहले आपको जाने एम स्क्वायर माइनस वन, 18 लिखेंगे, एम स्क्वायर बराबर आ जाएगा 18 प्लस एक, यहाँ आ जाएगा 19। 19 आपको जाने, 19 किसी का वर्ग नहीं होता है, तो यहाँ एम का मान पूर्णांक संख्या में नहीं होगा। अब रखेंगे आगे एम स्क्वायर प्लस एक वन बराबर रखेंगे 18, एम स्क्वायर प्लस वन बराबर 18, तो यहाँ आ जाएगा एम स्क्वायर बराबर 18 माइनस एक, एम स्क्वायर बराबर आ जाएगा 17। 17 भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर भी एम का मान क्या आएगा, पूर्णांक संख्या में नहीं होगा। अब एक 2m बराबर रख दो 18, एम बराबर 18 बट्टे 2, यानी एम का मान आ गया है 9। अब बाकी यहाँ रख दो, देखो एम स्क्वायर माइनस में रख दो, एम स्क्वायर माइनस 1 यानी 9 का स्क्वायर माइनस 1, 81 माइनस 1 क्या आ जाएगा देखो 80, और एम स्क्वायर प्लस 1 में वो रखना है, यानी यहाँ 9 का वर्ग प्लस 1 यानी 81 प्लस 1 क्या आ जाएगा देखो 82। अतः लिख दो पाइथागोरस त्रिक बराबर, एक तो यह 80, एक 82 और एक है 18, ये क्या देखो इसका आंसर है। इस प्रकार हमने चारों प्रश्न कर लिए हैं, चारों करने का तरीका एक ही है, यानी एम स्क्वायर माइनस वन बराबर रखेंगे तो भी एम का मान पूर्णांक में नहीं आएगा, एम स्क्वायर प्लस वन में रखेंगे तो भी एन का मान पूर्णांक नहीं आएगा, केवल चारों में 2m का बराबर रखें तो आंसर आ रहा है। हो गए प्रश्न सारे, इसके बाद में हम आगे करेंगे प्रश्न वाला 5.3। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।